जम्मू कश्मीर में पुलवामा पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेज ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आतंकी निकोलोरा का रहने वाला है और उसका नाम शमीम सोफी है। वहीं इस दौरान सुरक्षा बलों ने उसके कब्जे से हथियार, गोला बारूद व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पाकिस्तान ने जिस कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने के बाद जीते जी किनारे पर लगा दिया था, अब उसके सहारे वो कश्मीर में खत्म हो रहे आतंकवाद को फिर से जिंदा रखने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान ने गिलानी के नाम बुनाने के लिए गिलानी फोर्स नामक एक नया आतंकी संगठन तैयार किया है। बीते 30 सालों में कश्मीर में किसी अलगाववादी नेता के नाम पर यह पहला आतंकी संगठन है। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कुकरनाग इलाके के शोफशाली में आज एक जंगली भालू ने 52 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला कर उन्हें मार डाला। बुजुर्ग अब्दुल रशीद भट्ट पर पलबुत में हमला किया गया जब वो मवेशियों को चरा रहे थे। हमले के तुरंत बाद लोगों ने शोर मचाया, परंतु तब तक व्यक्ति मर चुका था। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि इलाके में 3 जंगली भालू घूमते रहते हैं, कभी कभी लोगों के घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। लोगों के लिए जंगली भालू खतरे का सबब बने हुए है। वन विभाग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा प्रदेश सरकार और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने मांग की कि यहां कोविड संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कोविड महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमारे एग्जामिनेशन ऑनलाइन लिए जाएं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने श्रीनगर नगर पालिका और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कश्मीर के सहयोग से आज शहर में लाइव पेंटिंग सेशन का आयोजन किया। सौंदर्यकरण के लिए छात्रों ने शेर कश्मीर पार्क के पास सड़क किनारे पेंटिंग्स की। सीमावर्ती गांव परगवाल में अवैध खनन के विरोध में एक बैठक का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं इस दौरान उन्होंने मांग की कि अवैध खनन को तुरंत बंद किया जाए और प्रदेश में जितने भी खनन ब्लॉक्स हैं उन्हें पंचायतों को सौंप दिया जाए। यूटी जम्मू कश्मीर में कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में ढील देती जा रही है। इसी क्रम में जिला पुंछ में भी पार्कों के खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली और लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। दूर दराज से आए लोग भी पार्कों में खुलने से खुश नजर आए, साथ ही बच्चों में एक गजब का उत्साह देखने को मिला। कोरोना काल में प्रदेश के सभी पार्क बंद किए गए थे। रामगढ़ नगर पालिका में आज अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने सड़क का उद्घाटन किया। परमजीत सिंह पम्मा ने जानकारी दी कि पिछले 10 सालों से इस सड़क की मांग की जा रही थी, जिसे आज पूरा किया जा रहा है। इस सड़क को बनाने में 8 लाख से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि रामगढ़ में विकास के और बहुत से कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें भी जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। भारतीय सेना ने आज पुंछ जिले के मेंढर के बल्लोई इलाके में नियंत्रण रेखा से घुसने की कोशिश कर रहे पीओके के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। जम्मू में रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बयान में कहा कि मेंढर नदी के किनारे बल्लोई में एलओसी पर सेना के जवानों ने पीओके निवासी को हिरासत में लिया है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। इस दिन पूरा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में इसे मनाता है। वहीं इसी क्रम में जम्मू के जीडीएस कुंजवानी कॉलेज में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए जीडीएस कुंजवानी कॉलेज के प्रिंसिपल, अध्यापकों और छात्रों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। प्रशासन द्वारा कोविड काल के दौरान नियुक्त किए गए पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाएं प्रदेश सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है। इसको लेकर एनएचएम स्टाफ में काफी रोष देखा जा रहा है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर एनएचएम स्टाफ द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांत अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा से मुलाकात कर सरकार से निर्णय वापस लेने की गुहार की गई। नेशनल वॉलंटियर ब्लड डोनेशन डे के मौके पर मेडिकल कॉलेज जम्मू में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया।
जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता देवेंद्र सिंह राणा भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के पखवाड़े में जम्मू के वार्ड नंबर 53 त्रिकुटा नगर में एक लंगर का आयोजन किया। वहीं इस दौरान जरूरतमंद लोगों में राशन भी वितरित किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रिया सेठी और भाजपा नेता युद्धवीर सेठी व अन्य लोग मौजूद रहे। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने प्रदेश में सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों पर प्रदेश के लोगों का पहला हक की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी अध्यक्ष मनीष साहनी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश के युवाओं को रोजगार में आरक्षण के साथ नई भर्ती नियम जारी करने और डेली वेजेस को पक्का करने और सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा में राहत देने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत विभिन्न कंपनियां कामकाज कर रही है। उसी में से एक कंपनी खनी कोट इलाके में सुरंग बनाने का काम कर रही है और उसी कंपनी के मजदूर की बीते कल मलबे के नीचे दबने की वजह से मौत हो गई, जो कि असम का निवासी था। मृत्यु के बाद संबंधित कंपनी द्वारा उसे कफन तक नहीं डाला गया। इस प्रकार के आरोप DDC चेयरमैन रियासी सराफ सिंह नाग द्वारा लगाए गए हैं। चेयरमैन के साथ सैकड़ों लोग मौजूद हैं जो धरने पर बैठकर कंपनी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। DDC डोडा विकास शर्मा ने आज खेल स्टेडियम डोडा से एक महीने तक चलने वाले स्वच्छ भारत अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर बोलते हुए DDC ने स्वच्छता पर बहुत जोर दिया और जिले भर के सभी हितधारकों को इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कहा, ताकि जिले भर में स्वच्छता को सुनिश्चित बनाया जा सके। जिला पुंछ के DC कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत समेत सभी आला अधिकारियों ने स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। स्वच्छता ही सेवा अभियान सभी जिला एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को इस कार्य को दिया गया है। नेशनल वॉलंटियर ब्लड डे के मौके पर भाजपा ने सांबा अस्पताल की मदद से रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री देवेंद्र कुमार मनियाल भी मौजूद रहे। मवेशियों के लिए सूखी घास ले जा रहा ट्रक फारसीपुरा पुलवामा के पास HT इलेक्ट्रिक लाइन के संपर्क में आ गया और उसमें आग लग गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत के साथ ट्रक को बड़े नुकसान से बचा लिया। ये बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है कि तारे झूलती रहती हैं। लापरवाही की इस घटना के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।